अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू सेल कैनवा टेम्पलेट्स ऑन इट्से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कैनवा टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करते हुए किस तरह से अपना एक खुद का डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं और इट्से पर आपने उसको किस तरह से सेल करना है और किस तरह से आप जस्ट कैनवा टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट गाइड करूँगी कि आप इट्से प्लेटफॉर्म से किस तरह से अर्निंग कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट्से है क्या। इट्से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिस पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आप सेल कर सकती हैं फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, इट्से एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकती हैं और आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक कम्प्लीट गाइड करूँगी कि आप कैनवा टेम्पलेट्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से आपने उसको कस्टमाइज करना है और इससे पर आपने उसको किस तरह से सेल करना है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी सबीन यासीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैनवा टेम्पलेट्स को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जस्ट कैनवा टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप इट्से से किस तरह से अर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले बात करती हैं कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट आपके पास एक डिज़ाइन है, एक डिजिटल प्रोडक्ट्स है और आप जानती हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकती हैं और आप इसे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। तो इसके लिए फर्स्ट आपने अपनी एक नीच सेलेक्ट कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। आप कैनवा टेम्पलेट को इजीली कस्टमाइज़ कर सकती हैं। एक टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना क्या होता है, उसका कलर थीम चेंज करना हो सकता है, उसका आप फॉन्ट चेंज कर सकती हैं, कलर स्टाइल चेंज कर सकती हैं, मीन आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम्प्लीटली एडिट कर सकती हैं और जस्ट एक कैनवा टेम्पलेट को आप इट्से पर सेल कर सकती हैं। और आपने इन टेम्पलेट्स को जस्ट वन टाइम क्रिएट करना है और जितने टाइम आपके ये टेम्पलेट सेल होंगे आपको उतने टाइम इससे अर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैनवा का एक टेम्पलेट कस्टमाइज़ करती हैं और एक टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके आप अपना खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट करती हैं और इट्से पर आप उसको पब्लिश करती हैं, तो अगर आपका वो टेम्पलेट 100 times सेल होगा तो आपको उससे 100 times अर्निंग होगी। तो है ना अमेजिंग। तो देखते हैं कि हम किस तरह से एक टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर सकती हैं और इट्से पर आपने उसको किस तरह से सेल करना है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करती है अपनी आज की वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑनलाइन लर्निंग एंड अर्निंग के रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो कैनवा को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सिंपल जीमेल आईडी से आप कैनवा पर लॉग इन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैनवा टेम्पलेट्स को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन स्पॉटलाइट का ऑप्शन है। तो आप देख सकती हैं कि आपके पास यहाँ पर बहुत से डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकती हैं। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप टेम्पलेट्स पर एडिट करेंगे, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि आपके पास इसमें बहुत से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, फोटोज एंड वीडियोज के रिलेटेड, प्रिंट के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, इस तरह से और भी आपके पास बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकती हैं और जस्ट कैनवा को यूज़ करते हुए आप इजीली अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो इसमें आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकती हैं, इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर सकती हैं, इसी तरह से आप मग्स डिज़ाइन कर सकती हैं, लोगोस हैं, पोस्टर्स हैं, फ्लायर्स हैं, और भी आपके पास बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक नीड सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्लायर्स इसमें से सिलेक्ट कर रही हूँ और हम इसके टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करती हैं और देखती हैं कि आप जस्ट एक टेम्पलेट को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकती हैं। तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा है। आप देख सकती हैं कि आपके पास यहाँ पर बहुत से डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिसको आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकती हैं। आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकती हैं और ईजिली एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी आप अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं ये वाला एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर रही हूँ। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर लेते हैं। तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा है। आप देख सकती हैं कि ये टेम्पलेट हमारे पास ओपन हो गया है और ये कम्प्लीटली एडिटेबल है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकती हैं, अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको आप कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकती हैं।
इसके कलर थीम को, इसके फॉन्ट को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन नेम यहाँ पर ऐड किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसके कलर थीम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप कैनवा को यूज़ करते हुए जस्ट वन क्लिक से इसके कलर थीम को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर स्टाइल्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। तो आप देख सकती हैं कि आपके पास यहाँ पर बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मीन कलर थीम्स हैं, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकती हैं। मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर रही हूँ और अब मैं इस पर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करूँगी। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और आपको इस तरह से ये टेम्पलेट अब छोड़ रहा है। तो आपने देखा कि जस्ट वन क्लिक से आप अपने टेम्पलेट का कम्प्लीटली स्टाइल चेंज कर सकती हैं, उसका कलर थीम आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पर मैं डिफरेंट एक कलर थीम अप्लाई कर रही हूँ जो आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो ये हमने डिफरेंट कलर थीम इस पर अप्लाई कर लिए। इस तरह से अगर आप और भी कलर थीम अप्लाई करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने इस पर ये वाला कलर थीम अप्लाई कर दिया। तो अब बात करते हैं कि आप इसको किस तरह से एडिट करेंगे। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड किया गया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस पर कुछ डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बिजनेस आइडियाज़ ऐड कर रही हूँ इस तरह से। तो आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने टेम्पलेट को यूज़ करते हुए इस पर अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऐड कर देना है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ और इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप इसके फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। तो आप देख सकती हैं कि आपके पास यहाँ पर बहुत से डिफरेंट फॉन्ट्स हैं जिसको आप इजीली अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से आप कोई भी कलर इजीली अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास यहाँ पर बहुत से सॉलिड कलर्स अवेलेबल हैं जिसको आप इजीली अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऐड अ न्यू कलर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पर कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ। तो आप देख सकती हैं कि इस तरह से हमने टेक्स्ट कम्प्लीटली कस्टमाइज किया, हमने इसका फॉन्ट भी चेंज कर लिया, इसका कलर भी हमने चेंज किया। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। अब आपको ये फ़ोटो इस तरह से कुछ शो हो रही है तो आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर फोटो अपलोड कर सकती हैं। तो कैनवा साइड पैनल पर आपके पास अपलोड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। तो अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके आप कोई भी फाइल इसमें से सिलेक्ट कर सकती हैं जिसको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रही हैं। बट अगर आप कोई रैंडम इमेज यूज़ करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। इसके लिए आपके पास कैनवा साइड पैनल पर एलिमेंट्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और एलिमेंट सर्च पार्ट पर आप कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकती हैं। अगर आप कोई फ़ोटो सर्च करना चाह रही हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस के रिलेटेड एक फ़ोटो सर्च करूँगी। तो आप देख सकती हैं कि ग्राफिक्स में, फ़ोटोज़ में आपको बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स शो हो रहे हैं जिसको आप अपने डिज़ाइन में इजीली यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रही हूँ और इसके साइज़ को हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। अब आपको ये फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो रही है, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉप करती हैं और मैंने इसकी पोजिशन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। आपके पास यहाँ पर डन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। अब आपको कुछ इस तरह से इमेज शो हो रही है। अगेन मैं फ़ोटो पर क्लिक कर रही हूँ और आपके पास यहाँ पर स्मार्ट क्रॉप का ऑप्शन है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और जिस पोजीशन पर आप अपनी फ़ोटो को एडजस्ट करना चाह रही हैं तो स्मार्ट क्रॉप ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो को उस पोजीशन पर एडजस्ट कर देगा। आप देख सकती हैं कि अब आपको कुछ इस तरह से इमेज शो हो रही है। सिंपल मैं डन पर क्लिक कर रही हूँ और इस तरह से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट फोटोज भी इस पर यूज़ कर सकती हैं। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट ऐड किया गया है, आप इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हैं, इसके कलर थीम को आप चेंज कर सकती हैं। तो जो एलिमेंट्स इस पर ऐड किए गए हैं आप इसको भी इजिली इस पर सर्च कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं एलिमेंट सर्च बार पर डॉट्स को सर्च कर रही हूँ, तो आपके पास ग्राफिक्स में, फोटोज में बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्लैक एलिमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ और आप देख सकती हैं कि कुछ इस तरह से ही आपको ये एलिमेंट भी शो हो रहा था। तो इस तरह के और भी बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको आप कैनवा पर एक्सप्लोर कर सकती हैं। आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट्स को कैनवा पर सर्च करना है और आप इजीली उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि ये हमने एक टेम्पलेट को कम्प्लीटली कस्टमाइज़ किया, हमने इसके कलर को कम्प्लीटली चेंज कर लिया, इस पर डिफरेंट स्टार्स हमने अप्लाई किए। आप किस तरह से इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, अपने टेक्स्ट का फॉन्ट किस तरह से चेंज कर सकती हैं, उसका आप कलर किस तरह से चेंज करेंगे, मैंने आपको उसके बारे में भी बताया, और डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने डिज़ाइन में किस तरह से ऐड करेंगे ये भी हमने देख लिया। तो ये हमने कुछ टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कर लिया। तो कैनवा साइड पैन पर आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, टेम्पलेट्स पर क्लिक कर लेती हैं और आप देख सकती हैं कि आपके पास और भी यहाँ पर बहुत से डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकती हैं। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। फाइल फॉर्मेट आपने PNG सेलेक्ट कर लेना है, बट अगर आप कोई वीडियोस पर क्रिएट कर रही हैं या आप कोई वीडियोस पर एडिट कर रही हैं तो आपने वीडियो फाइल फॉर्मेट इस पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस पर PNG फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट पेजेस का ऑप्शन है, मैं ऑल पेजेस सेलेक्ट कर रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग पेजेस सेलेक्ट कर सकती हैं। डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकती हैं कि सक्सेसफुली हमने अपने डिज़ाइन को डाउनलोड भी कर लिया। तो इस तरह से आप भी कैनवा टेम्पलेट्स को कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकती हैं और जस्ट टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप अपना खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि आप कैनवा टेम्पलेट्स को इट्से पर किस तरह से सेल करेंगे। तो इसके लिए गूगल को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और सर्च बार पर मैं सिंपल इट्से को सर्च कर रही हूँ। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से शो रहा है। इट्से एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसमें आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं और इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। तो टॉप पर आपके पास कैटेगरीज का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और आपके पास यहाँ पर बहुत से डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन आप इन कैटेगरीज में अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। तो सर्च बार पर मैं सिंपल बिजनेस कार्ड्स को सर्च कर रही हूँ तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर बिजनेस कार्ड के रिलेटेड बहुत से डिफरेंट टेम्पलेट्स क्रिएट किए गए हैं जो आपको कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। तो आप कैनवा को यूज़ करते हुए इजीली बिजनेस कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकती हैं कि ये वाला एक बिजनेस कार्ड कैनवा पर ही क्रिएट किया गया है, ये भी बिजनेस कार्ड कैनवा पर क्रिएट किया गया है। तो आपको यहाँ पर बहुत से डिफरेंट टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे जो कैनवा पर ही क्रिएट किए गए हैं। तो कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए लिटरली आप कोई भी चीज़ इसलिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप भी कैनवा टेम्पलेट्स को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकती हैं कि डेट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं और वन बिजनेस कार्ड डिज़ाइन के 3 USD चार्ज कर रहे हैं और इनके रिव्यूज़ भी आप देख सकती हैं, 1% ने 15.7K रिव्यूज़ गेन किए हैं। इनके रिव्यूज़ को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितने ऑर्डर्स कम्प्लीट किए गए हैं। मैं इसको ओपन कर रही हूँ और आप देख सकती हैं कि आपको ये बिजनेस कार्ड कुछ इस तरह से शो रहा है। तो इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कैनवा टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए इजीली इस तरह के बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकती हैं। तो आपने एक ही बार ये टेम्पलेट बनाने हैं, इसके बाद जब भी आपके टेम्पलेट सेल होंगे तो आपको इससे अर्निंग होगी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इट्से पर सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और कैनवा टेम्पलेट्स को आप इजीली इट्से पर सेल कर सकती हैं। अब अगेन मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट सर्च कर रही हूँ तो आप देख सकती हैं कि इसमें भी आपके पास बहुत से डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, रेट्स भी इस पर मैंशन किए गए हैं और रिव्यूज़ भी आप देख सकती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स कम्प्लीट किए गए हैं। तो ये भी कैनवा पर ही क्रिएट किया गया है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ और इस तरह से आपको ये डिज़ाइन कुछ शो हो रहा है। तो आप कैनवा को यूज़ करते हुए इस तरह के डिज़ाइन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट एक नीड सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपने टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर लेना है और कैनवा टेम्पलेट्स को आपने कम्प्लीटली कस्टमाइज करना है और इट्से पे आप इजीली उन टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हैं। तो बस इतना ही आसान था कैनवा टेम्पलेट को कस्टमाइज करना।
इस तरह से आप अपनी निश के अकॉर्डिंग किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैनवा पर आपके पास बहुत से डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, उसको आपने कम्प्लीटली कस्टमाइज करना है। मीन आपने एज इट इज टेम्पलेट यूज नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग आपने उसको एडिट करना है और उसके बाद आप इर्से पर उसको सेल कर सकती हैं। तो इर्से पर सेलिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और इस तरह से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हुए इर्से से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।